चलो गाइस कैसे हालो, वेलकम भाई, मेरा नाम है दीवान साहब, देख रहे हो फैंटी व्यूज चैनल। तो गाइस जैसे कि आपको पता है, बस डर्ट थी और उसकी जो टेल थी वो मैंने स्टॉक टेल को मॉडिफाई करके बनाई थी और एक टेल टाइडी भी लगाई थी साथ में। तो अब मैंने इसमें MX फेंडर लगा दिया है जिसे आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है। और इसमें अभी क्या है, ये ब्लैक कलर का है तो पूरी जो गाड़ी का कलर है उससे थोड़ा मिसमैच हो रहा है। और इसमें नीचे लाइट देख सकते हैं, लाइट पुरानी वाली ही है पर उसको थोड़ा सा हमने मॉड करके लगाया है, तो दूर से जो इसका लुक आ रहा है ना बहुत ही बढ़िया आ रहा है। तो आप अगर गाइस इसकी लाइट देखेंगे तो बिल्कुल जो बाहर की बाइकें होती हैं MX ऑफ रोडिंग बाइक्स, बिल्कुल वही वाला फील आपको आ जाएगा उसकी लाइट को देख के। ब्लिंक तो ये करते ही आपको पता ही है। तो ये एक MX फेंडर है, एंडीरो फेंडर से बोल सकते हैं, और एक्सपल भी मैंने लगाया है। तो भाई इसको लगाते समय काफ़ी ऑल्ट्रेशन हमें करने पड़े थे और फर्स्ट टाइम में ये अच्छा लग भी नहीं रहा था। इसको हमने जैसे तैसे ठीक करके बढ़िया बनाया है और एक्चुअली परफेक्ट हो चुका है। तो अब हम इसको और परफेक्ट बनाने वाले हैं, हम इसका कलर चेंज करेंगे। इसके लिए मैं रैप लेके आया हूँ, कुछ स्टिकर्स मैंने बनाए हैं तो वो हम इसे करने वाले हैं ताकि ये पूरी बाइक की ग्राफिक्स के साथ एक अलाइन हो जाए और एक जैसा दिखाई दे, अलग सा दिखाई दे। जैसे अभी ये इससे बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है, उसके बावजूद अच्छा लगा है। तो आप सोचो जब पूरा रैप हो जाएगा तो कितना बढ़िया लगेगा। तो कैसे फटाफट हम अभी रैप करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। साइकिल थोड़ी छोटी है। हनी सिंह वाले बात बता रहे थे भाई, ये तो ऊपर से भी आया होगा ब्रो, ऊपर वो कैमरा लगा ऊपर। सो गाइस रेयर फेंडर के मॉडिफिकेशन के साथ साथ अगर आपने नोटिस किया होगा, मैंने अपना हैंडल बार भी चेंज कर दिया है। मैंने क्रैंक एक्सट्रीम का हैंडल बार लगाया है, हैंड गार्ड हटा दिए हैं और लेग गार्ड भी मैंने इसमें हटा दिया है, तो पूरा लुक अब बाइक का कुछ ऐसा आ रहा है। सो गाइस अभी आप देख सकते हैं जो पीछे का फेंडर है वो वाइट कलर का हमने कर दिया है। आप थोड़ा बहुत काम इसमें स्टिकर क्या करेंगे, सेम मैचिंग कलर के जो रैप्स है मेरे पास उसके साथ हम इसमें थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन दे के फिर स्टिकर लगाएंगे। सो गाइस आप देख सकते हैं इसको वाइट करने के बाद ऑलरेडी इसका ऐसा लुक आने लगा है, ऐसा लग रहा है कि पूरी इसी के साथ ये बन के आई हुई है, अलग नहीं लग रही अब। सो गाइस लाइट भी हमने लगा दी है, अब इसके स्टिकर रह गए हैं। ये कुछ स्टिकर हैं जो मैंने ये मैं बनवा के लाया था, ये रेडीमेड है, सारे रेडीमेड है, बस ये मैं बनवा के लाया था खुद से। तो इसको हम यहाँ लगाने वाले हैं तो जो बची हुई जगह है वो भर जाएगी और ये बढ़िया लगने लगेगी। फिर तो गाइस फाइनली हमने इसको फाइनल कर दिया है। डिज़ाइन आप देख सकते हैं, ये वाला पार्ट तो बहुत बढ़िया लग रहा है, ये वाला पार्ट थोड़ा सा खाली लग रहा है दोनों साइड से। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये मॉडिफिकेशन कैसा लगा, और कमेंट करके ये भी ज़रूर बताएं कि यहाँ पे हम और क्या लिखाएं। सो गाइस बाइक का फाइनल लुक कुछ ऐसा आ रहा है। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया जरूर कर लें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये मॉडिफिकेशन कैसा लगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।